ये पूरे ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है क्योंकि इसके कारण जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर का जो एग है वो टाइटली अटैच होता है फॉलिकल की वॉल से और इस दिन आपको क्लिनिक की टीम से मिलकर कुछ चीजें जानना बहुत आवश्यक है और वो है एनबीएन इसीलिए आपको छह घंटे कम से कम फास्टिंग होना चाहिए तो मान लीजिए सुबह आठ बजे यदि आपका पिकअप है तो आपको रात में बारह बजे से कुछ भी खाना पीना नहीं है नमस्ते मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग रिट्रीवल के पहले की महत्वपूर्ण पांच सावधानियां। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा सबसे पहली सावधानी जो एग पिकअप के पहले आवश्यक है वो है ट्रिगर इंजेक्शन जी हाँ आप सब जानते हैं कि एग पिकअप के एग्जैक्टली exactly, पैतीस से 36 घंटे पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं ये जो ट्रिगर इंजेक्शन है ये पूरे ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है क्योंकि इसके कारण जो जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर का जो एग है वो है वो टाइटली होता फॉलिकल की वॉल से ट्रिगर इंजेक्शन के कारण ये उसकी वॉल से छूटता है यदि ये वॉल से नहीं छूटेगा तो जब हम एग्स को निकालने जाएंगे तो एग्स हमें नहीं मिलेंगे इसीलिए ट्रिगर इंजेक्शन का डोज ट्रिगर इंजेक्शन का टाइम और इसको प्रॉपरली इंजेक्ट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है ट्रिगर इंजेक्शन के नेक्स्ट डे कोई स्कैन नहीं होता और कोई इंजेक्शन भी नहीं होता पर इस दिन आपको क्लिनिक की टीम से मिलकर कुछ चीजें जानना बहुत आवश्यक है और वो है एनबीएम एनबीएम यानी कि नील बाय माउथ एक पिकअप जो है वो कॉन्शियस सेडेशन में या शॉर्ट एनस्थीजिया में किया जाता है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टमक जो है वो एम्प्टी रहे इसीलिए आपको छह घंटे कम से कम फास्टिंग होना चाहिए तो मान लीजिए सुबह आठ बजे यदि आपका पिकअप है तो आपको रात में बारह बजे से कुछ भी खाना पीना नहीं है तो आप पानी चाय नाश्ता कुछ भी नहीं लेंगे रात में बारह बजे के बाद कुछ पेशेंट जिनको थारॉइड है या बीपी है वो अपनी सुबह की मेडिसिन एक बहुत छोटे सिप ऑफ वाटर के साथ लेना मत भूलिएगा तीसरी जो सावधानी है वो है कि जब भी आप पिकअप के लिए जाएं तो आपके पार्टनर आपके हस्बैंड आपके साथ होना चाहिए कई बार हस्बैंड्स दूसरे शहर में रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम पिकअप के दिन ही सुबह आ जाएंगे परंतु यदि उनकी ट्रेन लेट हो गई फ्लाइट लेट हो गई किसी दिक्कत से यदि वो लेट हो गए तो सारा ही गड़बड़ हो सकता है क्योंकि पिकअप के कम से कम एक या दो घंटे पहले हमें हस्बैंड का सीमन सैंपल चाहिए रहता है यदि हस्बैंड लेट हो गए या दौड़ भाग के कारण नर्वस हो गए और उस समय सैंपल नहीं दे पाए तो हमारी जो पूरी मेहनत है वो बेकार जा सकती है तो हमेशा ध्यान रखिए एक पिकअप के एक दिन पहले हस्बैंड उसी सिटी में होना चाहिए और दोनों जनों को साथ में पहुंचना है एडमिशन के लिए हस्बैंड एडमिट नहीं होंगे पर उन्हें सीमन सैंपल प्रोड्यूस करना होगा आपको एडमिट करके आपको एनसीजिया में एग रिट्रीवल किया जाएगा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि आप जिस दिन एक पिकअप के लिए जाएं तो नेल पॉलिश कोई भी तरह की ज्वेलरी कोई भी तरह की परफ्यूम यूज नहीं करें। नेल पॉलिश इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि नेल पॉलिश से जब हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो वो बराबर रीडिंग नहीं लेता और आप सब जानते हैं की जब एनस्थीजिया लगता है तो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है कई लोग आजकल एक्रेलिक नेल्स का यूज करते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करना है परफ्यूम्स या किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले सब्सटेंसेज आई लैब में बैंड रहते हैं और एक जो है वो, वो है कि जब आप पिकअप के लिए जाते हैं तो आपको यदि किसी ड्रग की एलर्जी है यदि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको प्री एनेस्थेटिक चेकअप में डॉक्टर को आगे होके ये चीजें बतानी है ये मत समझिएगा की बहुत छोटा सा प्रोसीजर है तो हम ये चीजें डॉक्टर को नहीं बताएं यदि आपको कोई भी मेडिकल इलनेस जैसे ब्लड प्रेशर थाइड किसी अस्थमा किसी दवाई से एलर्जी या रिएक्शन तो फ्रेंकली ये चीज डॉक्टर को बताइए ये बहुत छोटा प्रोसीजर है परंतु इसे सेफ करने के लिए ये जानकारी आपके डॉक्टर के पास होना बहुत आवश्यक है आशा करती हूँ कि आपका एग रिट्रीवल बहुत कंफर्टेबली हो जाएगा और आप बहुत ही जल्दी एक नन्हे मुन्ने बच्चे की माँ बन सकेंगी धन्यवाद